अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां चंबल की बीहड़ में दहाड़ने वाला डकैत गुड्डा गुर्जर के पुलिस गिरफ्त में आते ही नींद और भूख दोनों उड़ गई है। रात 11 बजे उसे ट्रामा में भर्ती किया गया, लेकिन सुबह तक वह सिर्फ 2 घंटे ही सोया है। पूरी रात उसने करवट बदलते हुए निकाल दी, उसे भूख भी नहीं लग रही है। पुलिस के हाथों से वह कुछ भी नहीं खा रहा है। सुबह उसे चाय के साथ बिस्किट दिया गया है, दवा खिलानी थी इसलिए उसके मना करने के बाद भी दलिया खिलाया गया। पुलिस उससे पूछ रही है कि उसे क्या खाना है, बताए तो वह कुछ नहीं बोल रहा है। यह वही गुड्डा है जिसकी दहाड़ से अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाया करती थी। आज से ठीक 13 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 60,000 रुपए के इनामी गुड्डा गुर्जर पर चंबल अंचल की पुलिस को लताड़ते हुए कहा था कि 23 साल से चंबल में गुड्डा सक्रिय है, इससे अंचल की छवि खराब होती है और विकास प्रभावित होता है। इसके बाद गुड्डा के सफाया के लिए मुरैना सोयपुर की पुलिस जंगल में सर्चिंग कर रही थी, लेकिन सोयपुर और मुरैना पुलिस सर्चिंग करती ही रह गई और डकैत गुड्डा ग्वालियर की क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। बुधवार रात पुलिस ने ग्वालियर के घाटी गांव में डारा खिड़क व भनवरपुरा के बीच बसौटा के जंगल में डकैत गुड्डा को एनकाउंटर में पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार किया, पर पुलिस की गिरफ्त में आते ही डकैत की दहाड़ खामोशी में बदल गई। अब वह हर किसी को गौर से देख रहा है, पुलिस कुछ खाने को दे रही है तो कई बार चेक करके खा रहा है। डकैत गुड्डा की दहाड़ से ही जंगल के किनारे बसे गांव के रहने वालों की नींद उड़ जाती थी, पर अब पुलिस गिरफ्त में दहशत के पर्याय गुड्डा की नींद उड़ी हुई है। रात 11 बजे से वह बेड पर लेटा रहा, लेकिन उसे नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच 2 घंटे की आई। इसके अलावा वह करवटें बदलता रहा, जबकि गोली लगने के बाद डॉक्टरों ने उसे दर्द ना होने के लिए इंजेक्शन दिया था। उसके असर से बार बार उसकी पलक झपक रही थी, लेकिन वह करवट ही बदलता रहा। गुरुवार सुबह डकैत को पुलिस ने चाय बिस्किट दिया। पुलिस ने पूछा कि वह नाश्ते में क्या खाता है, लेकिन डकैत का जवाब था भूख नहीं है। पुलिस की मंगाई चाय और बिस्किट उसने खा लिए। 2 घंटे बाद 9 बजे उसे दवा देनी थी और उससे पहले कुछ ठोस आहार देना था। डकैत से पूछा क्या खाएगा तो उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। इसके बाद भी उसे दलिया खिलाया गया, जिसके बाद उसे दवा दी गई। दोपहर डकैत को कोर्ट में पेश भी करना है, इसके लिए एसएसपी क्राइम राजेश दंडौतिया अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने डॉक्टरों से बात की है कि गुड्डा के क्या हाल है, वह कोर्ट ले जाने लायक है या नहीं। इसके साथ ही उसके साथियों के संबंध में पूछताछ की है। बसोटा के जंगल में अरे प्राइम मिनिस्टर डांड गांव के पास गोली की खबर मिली, जिस पे पुलिस ने दल माला के साथ जाकर के दबिश दिया और मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, जिसको अभी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है।